अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इकरामरान हेयर और एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। यहाँ पर जो है मैं गई थी रहमत शहरी बेकरी पर, तो यहाँ पे मैंने जो है वो परचेजिंग की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ केक्स हैं, तो मैं जो है वो केक्स की बहुत लवर हूँ। मुझे ब्लैक फॉरेस्ट बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें से जो ब्लैक केक लिया था। तो मैं आपको वैरायटी दिखा रही थी कि कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ हैं इधर अवेलेबल। और यहाँ के स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे जो है वो स्वीट्स भी थी। यहाँ पे मैंने कुछ स्वीट्स ली थी और कुछ जो है वो सुबह के लिए जो है ब्रेकफास्ट लिया था। तो इसमें मैं आपको शो करवा रही थी कि मैंने क्या क्या लिया था। मैंने रस लिए थे, ब्रेड ली थी, एग्स वगैरह लिए थे, केक रस लिए थे। तो ये चीज़ें जो है वो मैं ले रही थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे से जो है वो क्या कहते हैं खीर देखी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में, तो मैंने वो भी परचेज़ की। मैंने सोचा चलो फ़र्स्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं। घर की खीर तो बहुत दफ़ा खाई है, आज फ़र्स्ट टाइम मैं बेकरी की जो है वो खीर ट्राई करने लगी हूँ। आई होप कि उसका अच्छा टेस्ट हो। यहाँ पे जो है वो भाई, हम रेस्टोरेंट घर आ वाले चुके था, थे, मेरे लिए यहाँ घर में सामान वापस मार्केट आ जा गए। रहा था, आराम की कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया बेकरी के, भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेजिंग की है, क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। मैंने जो है ये सामान जो है ले लिया था। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं केक खाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो केक पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो केक लिया है और कौन सा केक लिया। बेसिकली मुझे ज़्यादातर जो है वो मैं ब्लैक कॉफ़ी केक ही खाती हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट जिसे कहते हैं वो खाती हूँ मैं। निकालना केक, ओपन करना। मैंने यहाँ पे ले लिया था केक, और मैंने वहाँ से बेकरी से बहुत सारी चीज़ें ली थी, बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो रमज़ान आने वाले हैं, तो उससे पहले ही हमने शॉपिंग कर ली। हमने फेनियाँ ले ली हैं, फेनी ले रही है, और ये भी बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। रमज़ान में बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे दिखी ये बेकरी पे, तो मैंने जो है ये परचेज़ कर ली है। इधर भाई साहब बैठे हैं, ये भी ओपनिंग कर रहे हैं, और हमने ली है साथ में रस मलाई। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करने लगी हूँ। यहाँ की खीर मैंने कभी नहीं ट्राई की है इस बेकरी की, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी और मुनासिब मीठा होता है। तो ये मैंने जो है वो खीर भी ली है। आई होप कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है खीर, और काफ़ी अच्छी लग रही थी दिखने में, यम्मी लग रही थी। मैंने कहा चले ले लेते हैं। कुछ ब्रेकफास्ट का सामान लिया है, इधर मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली थी सुबह के लिए भी। ब्रेकफास्ट ले लिया था, एग्स ले लिए थे मैंने वहाँ से ही। मैं जाती हूँ तो फिर एक साथ ही सामान लेकर आ जाती हूँ, 1 वीक का या कुछ डेज चल जाते हैं। तो इधर हमने ले लिए थे रस, फिर ले ली थी एक जगह हमने ब्रेड, और मुझे केक रस भी बहुत पसंद है। मैं अक्सर इवनिंग में भी केक रस जो है वो खाती हूँ। ये यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे केक रस की, और काफ़ी मुनासिब मीठा होता है। अच्छा ये चीज़ तो नीचे है भाई। ये हमने ले ली थी मिठाई, क्योंकि मुझे स्वीट्स भी बहुत पसंद है। मुझे बेसिकली पहले अच्छी नहीं लगती थी ज़्यादा स्वीट्स। इसको ओपन करना, बोला चाह पूँगा। तो मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी स्वीट्स, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं खाती हूँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ केक। आई लव दिस चॉकलेट केक। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट परचेज दिस वन केक। मेरे पास ज़्यादातर जो है ये अवेलेबल रहता है। मैं हमेशा जो है कोशिश करती हूँ कि मेरी जो है रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल हो, ताकि कोई आए तो उनके सामने भी मीठा रखा जाए। और मैं खुद भी बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे रात की जो है ना वो बहुत क्रेविंग होती है। और अरहम की कुछ ग्रॉसरी करनी थी, अरहम के जो है वो डायपर्स लेने थे। अरहम के मैंने डायपर लिए। डायपर का पैकेट कहाँ रख दिए? अच्छा हाँ, डायपर भी ख़त्म हो गए थे, तो अरहम के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये डायपर, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और अब जो है वो अरहम को थोड़ा सा बड़ा साइज़ आने लगा। पहले 0 साइज़ यूज़ कर रही थी, तो आज मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लेके आई हूँ। आई होप कि ये साइज़ इसको बिल्कुल फिट है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो है वो ये स्वीट्स ली थी, इसको ढाका कहते हैं, और ये बहुत बहुत यम्मी होती है। इनकी स्वीट्स जो बहुत लाइट होता है, इसमें मीठा इतना नहीं होता, तो मुझे बहुत पसंद है। आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ मीठा मीठा लेके आई है ये लड़की, क्योंकि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगने लग गया है, और मैं खाती हूँ। यहाँ पे मैंने अरहम की ग्रोसरी की है, जाके अरहम के कुछ जो है वो क्या कहते हैं एक्सेसरीज ली हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक वाइप, बेसिकली मेरे पास पहले भी ऑलरेडी एक अवेलेबल था, तो फिर मैंने कहा लेकिन एक और होना चाहिए। मैं ज़्यादातर जो है अपने पास जो है स्पेयर में चीज़ें रखती होती हूँ अरहम की, ताकि कोई चीज़ ख़त्म ना हो। और मैं आपको एक और टिप दूँ कि जब भी आप बेबी को क्लीन करें, तो आप ना ऑलिव ऑयल यूज़ ज़रूर करें। तो मैं जो हूँ ख़ुद भी ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बेटे के लिए। जब भी मैं उसे क्लीन करती हूँ, तो मैं ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। उसकी जो मालिश करनी होती है, मसाज होता है उसका, ऑलिव ऑयल से होता है। उसके बाद जो है वो मैं क्या कहते हैं शावर देख के, तो फिर मैं उसको
लोशन लगा दी अपने बेटे को। उधर मैंने अरहम का जो है वो एक लोशन भी ले लिया था, पहले भी है मेरे पास, लेकिन वही बात है कि मैंने स्पेयर में ले लिया था कि अगर ख़त्म हो जाए तो मेरे बेटे की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने एक ये है, आजकल बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हो रहे हैं, हालांकि मेरे पास था पहले भी एक मॉस्किटो मशीन, पर वो पता नहीं क्या मेडिकल वालों ने ख़राब दे दी है, तो वो ना यूज़ तो मैं कर रही हूँ लेकिन उससे जो है मॉस्किटोज़ जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए फिर ये मैं अभी न्यू लेके आई हूँ। आई होप कि ये चल रहे। मैं शॉप कीपर से भी कह रही थी कि जो है अब अगर आप देंगे तो भाई अच्छी दीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ की है तो वो अच्छी नहीं है, हालांकि मेरे पास यूँ की यूँ ही रखी हुई है, तो ये अब चला के देखती हूँ, यूज़ करूँगी कि ये कैसी है। आई होप कि ये जो है वो काम कर जाए और मॉस्किटोज़ ना काटे मेरे बेटे को, मेरे बेटे के फेस पे जो मॉस्किटोज़ काट के चले गए, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने कहा चलें ये भी मुझे याद आया एक्सेसरीज़ में कि ये भी लेना था, तो बस यही शॉपिंग करके आई हूँ मैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।